हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेटिंग ऑल। और ये वीडियो मैंने बनाई है लो रैंकिंग जेईई मेंस 2019, अब क्या करें, व्हाट टू डू नाउ। देखो, इस वीडियो में मैं कोई किसी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर की तरह आपको प्रवचन नहीं दूंगा, जैसा कि मैंने देखा बाकी यूट्यूबर्स वगैरह या बाकी लोग ज़्यादातर देते हैं। आपके आस पड़ोस में भी ऐसे लोग होंगे कि अभी तो बहुत टाइम है लाइफ में, बहुत कुछ आप ऐसे लोगों की वीडियोज़ वगैरह देखते होंगे कि अभी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, गेट का एग्ज़ाम वो सब है, बाकी चीज़ें हैं। अगर IIT नहीं मिला, NIT अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं मिलेगा तो क्या लाइफ बर्बाद है, आप बहुत चीज़ें कर सकते हो सब। लेकिन मैं ये बातें नहीं करूँगा, मैं अभी आपके पास जो है मैं उसे दिलाने की आपको बात करूँगा, यानी कि मैं आपको बताऊँगा कि अभी आपको क्या करना है। जैसा कि मैं परसेंटाइल वाइज भी बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, गाइड करूंगा क्या क्या करना है। मैं आपकी क्वेरीज़ की, मैंने Q&A सीरीज़ भी स्टार्ट की है, बाकी मैं इंडिविजुअली आपके कमेंट के रिप्लाई कर रहा हूँ। बाकी मैंने एक चीज़ स्टार्ट की है, अब मैं आपका जो बताता हूँ मैं आपको ज़रा, जो आपका स्टेट वाइज कॉलेजेस जो होते हैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मैं उनकी वीडियोस निकालूंगा। मैं सोच रहा हूँ 10 10 या 12 जितने भी कॉलेजेस हैं उन्हें टॉप 10 ऐसे निकालूं, आपको सीरीज़ में स्टेट वाइज निकालूं और उन्हें आपको प्रोवाइड करूं, और जिससे आपको पता चले ऊपर से नीचे आप ऐसे अपने परसेंटाइल वाइज, यानी क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स हैं जिनमें JEE मेंस के स्कोर के थ्रू ही होता है, बाकी अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जिनकी परसेंटाइल बहुत कम आई है वो भी उन्हें ईजिली ले सकते हैं, नहीं तो फिर उसमें कुछ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं अच्छे, वो भी आपको ईजिली मिल जाएंगे। तो मैं कम परसेंटाइल वालों के लिए भी और जिनकी मॉडरेट परसेंटाइल आई है उन स्टूडेंट्स के लिए भी बताऊँगा चीज़ें काफ़ी सारी। तो अभी हमें बैठ के रो के पछताना नहीं है, वो सब नहीं करना कि मैं क्या देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट मोटिवेशन की तरफ मोड़ें। देखो, अभी मोटिवेशन से कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपको जब कॉलेज मिल जाए, एक बार लाइफ सेट मतलब कॉलेज सेट सा मिल जाए आपको, आपका ये हो जाए कि हाँ चलो बीटेक इससे हो गया, अब आगे का देखते हैं, उसके लिए आपको मोटिवेशन चाहिए, फिर आपको सोचना है कि आपको बहुत बड़ा जो आगे करना। लेकिन अभी आपके पास जो है उस ऑप्शन को मत गंवाइए फालतू की चीज़ों में, कि ये सोच के बैठ जाएंगे कि कॉलेज नहीं मिलेगा, कुछ ना करें, केवल जो सा काउंसलिंग में बैठे, पता है वहाँ NIT मिलना नहीं है और कुछ नहीं हुआ, बेकार से किसी प्राइवेट से कर लिया, तो आपको गिवअप नहीं करना है। काफ़ी अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे स्टेट्स में, जैसे कि मैंने MP में बताया, UP में आपका, हरियाणा, बाकी सारी आप जिस स्टेट का नाम लोगे उसमें मिल जाएंगे, महाराष्ट्र में तो वहाँ पर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे और एक इंजीनियरिंग ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पुणे में, बाकी बहुत सारे कॉलेज हैं, किस किस स्टेट का नाम लूँ, झारखंड का नाम लूँ, MP का नाम लूँ, बिहार का नाम, सब में अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। मैं सारी आपको स्टेट वाइज लिस्ट प्रोवाइड करूँगा, सारी चीज़ें बताऊँगा, कौन कौन सी काउंसलिंग होती है, सारी चीज़ें मैंने स्टार्ट कर दी हैं ये। और एक वीडियो मैं सोच रहा हूँ, जब आपकी जोसा काउंसलिंग स्टार्ट होगी उससे पहले मैं सोच रहा हूँ आपको एक लिस्ट बना के दूँ परसेंटाइल वाइज, उसमें मैं आपको बताऊँ कैटेगरी वाइज स्टेट वाइज बताऊँ कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस भरने, कैटेगरी वाइज तो उसमें नहीं बताऊँगा, मैं सोच रहा हूँ उसमें आपको स्टेट वाइज बताऊँ मैं आपको, और आपकी परसेंटाइल वाइज डिवाइड करके बताऊँ मैं, उसमें आपकी 70 से 95 से मतलब ऊपर ही ऊपर के परसेंटाइल के लिए लूँगा जोसा काउंसलिंग के लिए। बाकी स्टेट्स काउंसलिंग के लिए मैं सारे स्टूडेंट्स को गाइड करता हुआ बता रहा हूँ। तो इस वीडियो को मैं एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ केवल, इसे इसका उद्देश्य केवल यही है, मेरा इससे मोटिव यही है इस वीडियो को बनाने का, कि आप लोग मोटिवेशन की तरफ इतना ना मुड़ें, ये ना सोचें कि अभी से आप बड़े बड़े लोगों के भाषण सुनने लग जाएँ, मोटिवेशन सुनने लग जाएँ कि हम तो आगे गेट का एग्ज़ाम है वहाँ से IIT में जा सकते हैं, ये सब जा सकते हैं, ड्रीम दुनिया में जीना ना शुरू कर दें अभी से, जैसा कि आप अपने 11th 12th में जीते थे कि जब IIT में मिलेंगे ये करेंगे वो करेंगे, तो वो सब तो सच हो नहीं रहा, तो ऐसा कुछ ना करें अभी। अभी आपके पास जो उसे ना गंवाने दें, कहीं उसके चक्कर में बैठे, चलो किसी से भी कर लो, किसी प्राइवेट कॉलेज से ऐसे ही आगे पीछे जो खुले हुए हैं, ABC इंजीनियरिंग कॉलेज, ये इंजीनियरिंग कॉलेज, ऐसे उसे नहीं करनी है, आपको अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे, आप मेरा बिलीव मानिए, बस आपको मेरा थोड़ा साथ देना है, आपको मेरे साथ रहना है, क्योंकि आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछना है, बाकी सारी चीज़ें आपको मुझे अपडेट रहनी है, आपको मेरा चैनल का सब्सक्राइब होगा, क्योंकि जब भी आप लोगों तक मेरी वीडियोस पहुंचेंगी तो बहुत काम की वीडियोस आने वाली हैं, बस मेरे साथ तभी जब ही दे पाऊँगा जब आप लोग खुद की हेल्प खुद करेंगे, यानी कि आप एक दूसरे फ्रेंड्स में वीडियो शेयर किया करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ये वीडियो पहुंचे और सबको पता चले, तो कॉलेज सबको मिल जाएगा अच्छा, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। बस आपकी एक तो थोड़ी सी डिसेंट परसेंटाइल आई हो, जो कंडीशन फुलफिल होती हैं, जैसे 45% मांगते हैं कई स्टेट्स में, कुछ कैटेगरीज के लिए 40% मांगते हैं, वो 12th की परसेंटेज होनी चाहिए, तो कॉलेज सबको अच्छे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको पर्सनली कॉलेज बताऊँगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाउट पूछा करिए, मैं कमेंट रिप्लाई करूँगा, रिप्लाई नहीं करूँगा तो मैंने Q&A स्टार्ट कर दिया है, इंडिविजुअली हर बच्चे का मैं कमेंट लूँगा उसमें जो कॉमन हुए करेंगे, तो सारे डाउट क्लियर करूँगा, सारी बातें बताऊँगा। देखो, वीडियो में कुछ ऐसा खास नहीं है, लेकिन वीडियो इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं इसमें बताना चाह रहा हूँ कि गिवअप मत करिए, आप गिवअप करके बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन लेते रहिए, मैं आपको सारी चीज़ें बताता रहूँगा, सारे कॉलेज के बारे में गाइड करूँगा, सारी कॉलेज बता दूंगा मैं आपको, स्टेट वाइज गवर्नमेंट कॉलेज, उसमें प्राइवेट कॉलेज बेस्ट, फिर सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा, तो वीडियो बहुत
जल्द आने वाली हैं, बहुत ज़्यादा वीडियोस आएंगी, बहुत ज़्यादा कंटेंट आएगा, आप लोगों को देखती जानी है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन लेते जाना है, और आप लोग भी कहीं ना कहीं नोट करते रहिए। आपको स्टेट वाइज आप अपने होम स्टेट बताई करिए, मैं उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा। तो सारी स्टेट्स को लेकर चलूंगा यार, बस कुछ स्टेट्स के जैसे कमेंट नहीं आते तो उनका तो मैं नहीं कर पाऊंगा, बाकी आप जिस स्टेट से स्टेट का कमेंट करते रहिए, क्योंकि उस स्टेट की जल्द से जल्द वीडियो बने, उसी स्टेट की जल्द से जल्द बनेगी जो अपने स्टेट बताते रहेंगे कमेंट सेक्शन में। और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, लाइक करो, और यार चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो, जब भी आपका कुछ फायदा होगा, जब भी आप तक वीडियोस पहुंच पाएंगी, क्योंकि ये ऐसी वीडियो ना, अगर दो तीन दिन भी लेट होंगी, काउंसलिंग निकलेंगी यार कई स्टेट्स की, तो फिर कुछ उसका फायदा नहीं होगा। इसलिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, वीडियो लाइक करो, और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन प्रेस करके, जब भी आप लोगों का कुछ गेन है, क्योंकि बहुत बेनिफिट है, बहुत सारी वीडियोज आने वाली हैं। तो चलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।